हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल मनु विपिन एंटरटेनमेंट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, हम आपके लिए डेली बेसिस पे कोई ना कोई इंटरेस्टिंग खबरें लेके आते रहते हैं, तो आज हम आपके लिए यही एक इंटरेस्टिंग खबर लेके आए हुए हैं। आप आजकल कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के देख लीजिए, उस पर एक ही खबर चल रही है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई। इसको कई लोग कह रहे हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड वार में भी कन्वर्ट हो सकती है। पहले आपको पता ही है, दो विश्व युद्ध हो चुके हैं, तो पहले विश्व युद्ध में भी बहुत तबाही हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम से हमला किया था, तो पूरे देश का बहुत ही नुकसान हुआ था। तो अब ये थर्ड वर्ल्ड वार की तैयारी है। सुनने में आता है कि अलग अलग देशों पर हमला हो सकता है, रूस किसी पर भी हमला कर सकता है। तो ये रूस और यूक्रेन का क्या विवाद है, इससे रिलेटेड आज मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। हम ये विवाद जानने से पहले जानेंगे यूक्रेन का इतिहास और भूगोल के बारे में हम जानेंगे। यूक्रेन जो है यूरोप का दूसरे सबसे बड़ा देश है। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद यूक्रेन आज़ाद हुआ था। उस दौरान करीब 3 करोड़ रूसी लोग अपने मूल देश से बाहर हो गए थे, इनमें ज़्यादातर यूक्रेन में थे। यूक्रेन की सीमाएं उत्तर पूर्व और पूर्व में रूस, उत्तर पश्चिम में बेलारूस, पश्चिम में पोलैंड और स्लोवाकिया, और दक्षिण पश्चिम में हंगरी और रोमानिया से लगती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई की आखिर जड़ क्या है, किस वजह से ये आपस में लड़ते रहते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। यूक्रेन के जो पूर्वी हिस्सों के लोगों का देश के प्रति गहरा असंतोष है, यानी वो नाराज रहते हैं, इसका फ़ायदा रूस भी उठा रहा है। उसने यूक्रेन को तीनों तरफ से घेर लिया है। अगर इन दोनों देशों के बीच की लड़ाई की जड़ की बात करें, तो सीधे शब्दों में रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन की ताकत बढ़े और वह पश्चिमी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाए। इसे लेकर यूक्रेन की जनता भी दो भागों में बटी हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रवादी लोग रूस की छाया से बाहर आने और पश्चिमी देशों का हिस्सा बनने की पैरवी कर रहे हैं, वहीं यूक्रेन के भीतर रूस से खुद को जोड़कर देखने वाले लोग इसके पक्ष में नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति और भी जटिल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आगे बताएंगे कि कब शुरू हुआ इनके बीच में ये तनाव और विवाद, कब शुरू हुआ है। 2014 में रूस ने यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर नियंत्रण कर लिया था। क्रीमिया वह प्रायद्वीपीय है जिसने सन 1954 में सोवियत संघ यानी रूस ने यूक्रेन को तोहफे में दिया था। जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ, तो कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव भी पैदा हुआ था। इसी के बाद 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी मिंस में रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता भी करवाया था। इसके बाद स्थिति शांतिपूर्ण हो गई थी। अब हम जानते हैं कि देखते हैं कि रूस क्या चाहता है, किस वजह से वो बार बार यूक्रेन पर दबाव बनाता है। रूस आखिर चाहता क्या है यूक्रेन से? जो रूस है वो चाहता है कि जो यूक्रेन है वो इन जो नाटो होता है, नाटो में शामिल ना हो। तो नाटो एक नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक संस्था है। तो रूस चाहता है कि यूक्रेन इसका सदस्य ना बने, क्योंकि नाटो में बहुत ही बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब, और जर्मनी हो गया। इनके अलावा काफ़ी देश, ऑलमोस्ट 30 देशों का ये संगठन बन चुका है। तो नाटो का सदस्य होने का मतलब होता है कि अगर कोई देश इन संगठनों पर या नाटो में जो देश शामिल है अगर उस पर हमला करता है, तो ये सारे देश मिलकर उस पर हमला कर देंगे। तो रूस चाहता है कि उसके आसपास से जो देश हैं, उसके पास के देश हैं, वो नाटो में शामिल ना हों, ताकि उसकी अपनी अंदरूनी जो सुरक्षा है उस पर कोई हमला ना आए। साथ ही ये जो देश हैं, जो उसके साथ के देश हैं, जिनमें यूक्रेन भी एक है, जो उनकी सीमाओं से लगते हैं, उनकी कोशिश ये रहती है कि हम नाटो में शामिल हो जाएं, ताकि हमारी खुद की भी सेफ्टी रहे, हमारे देश की।
इस बीच अमेरिका ने लगातार यूक्रेन में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है। 2021 में अमेरिका ने यूक्रेन को $65 करोड़ के सैन्य उपकरण और सहयोग दिया है। वहीं व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने रूस और बेलारूस में यूक्रेन से लगती सीमा पर लाखों सैनिक तैनात कर दिए हैं। अब अमेरिका और रूस के अधिकारियों के बीच बातें भी चल रही थी पिछले दिनों। तो आपको पता है कि जो लेटेस्ट न्यूज़ है, ये हमने आपको पिछला इतिहास बताया सारा कि यूक्रेन के बीच और रूस के बीच विवाद की जड़ क्या है। अभी जो आपको पता ही है कि रूसी सेना पूरा यूक्रेन के अंदर एंटर कर गई है। वहाँ की जो राजधानी है कीव, वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी हद तक कब्जा कर लिया है और काफ़ी जो जनता है उनको भी बहुत नुकसान पहुँचाई यूक्रेन की, और काफ़ी हद तक हमले वगैरह चल रहे हैं रूस के। तो जो सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब रखी है। तो वहाँ के जो सिटीजन हैं और अदर कंट्री के भी सिटीजन जो यूक्रेन में रहते हैं वो मैक्सिमम वहाँ से निकल चुके हैं छोड़कर। तो आगे सिचुएशन और भी क्रिटिकल होने वाली है। दोनों ही जो हैं, रूस और यूक्रेन, वो झुकना नहीं चाहते हैं। यूक्रेन चाहता है कि रूस अपनी सेनाएं वहाँ से वापस ले जाए, लेकिन रूस जो है वो यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकने के लिए ये सारी चीज़ें करता रहता है। तो आगे अगर इसके बारे में कोई भी हमें अपडेट मिलता रहेगा तो हम आपको बताते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।